जय श्री कृष्ण गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पारुल पाठक वाइजेक। तो आज मैं ये जो वीडियो लाई हूँ वो लाई हूँ सर्वाइकल प्रॉब्लम। मुझे भी बहुत प्रॉब्लम है सर्वाइकल की, लेकिन मुझे मेरे फ्रेंड जो फिजियोथेरेपिस्ट है उन्होंने सजेस्ट किया कि आप ये वाली एक्सरसाइज करो तो आपको बेनिफिट होगा। सो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपसे शेयर करूँ। तो ये जो हमारी नेक है, ये जो नेक है, पहले इसको हमें हल्का सा ऐसे करना है, राउंड रॉड शेप में ऐसे हल्के से, ज़रा तेज नहीं। फिर इसी को हमको रिपीट उल्टा करना है, ओके गाइस। हमको ये एक्सरसाइज करने के बाद में अब क्या करना है, ये जो हमारा चिन है, चिन दिख रही है ना आपको, इसको हमें यू करके पीछे को ले जाना है, यू करके पीछे को। देखिएगा मैं करती हूँ, ये मैंने 10 बार किया है। अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है ज़्यादा, तो आप इसको 5 टाइम कर सकते हैं और धीरे धीरे अपनी क्वांटिटी बढ़ाती जाएं। 5 है, 10 है, 15 है या 11 बार है, आपको ये अप्लाई करना है, मतलब आपको ये एक्सरसाइज करनी है। क्योंकि आजकल हमारा जो डेली रूटीन है या जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज हो गया है। मोबाइल हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाना नहीं भी चाह रहा हो, लेकिन तो भी हम उसको यूज़ करते हैं किसी भी फॉर्म में। तो इसीलिए गाइस, एक तो आपको पिलो कवर नहीं, जो पिलो है वो नहीं लगाना है, ठीक है। दूसरा, आपको जो पॉस्चर होता है हमारा सोने का, तो हम क्या करते हैं, जो हमारी जो गर्दन होती है नेक, हम इसको यू टिका लेते हैं, यू टिका के इसको हम इसको प्रेशर बनाते हैं बेड पे, तो ये गलत पॉस्चर होता है। जितना हो सके हमें फ्लैट चीज़ पे सोना चाहिए, जो वुडन का पूरा जो तख्त बोलते हैं इसको, हमारे यूपी में तख्त ही बोलते हैं इसको, बेड रहता है उस पर सोइए। पिलो बिल्कुल ना लगाइए, गर्दन को यूँ झुका के, ना ही नीचे झुका के देखना है ज़्यादा देर तक और ना ही ऊपर इस तरीके से करना है, आपको सीधे करना है। अगर आपको मोबाइल यूज़ करना है तो आप यूँ सामने रखिएगा, जिससे कि हमारी नेक सामने रहे। और आपको पेन हो सर्वाइकल का, तो आप आइस पैक आता है अपने यहाँ पर, जहाँ भी आपको पेन हो रहा है उस पर वहाँ पर मलिए, देखिएगा आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। मुझे भी थोड़ा फ़र्क पड़ा है, लेकिन ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा फ़र्क पड़ा है। कहते हैं ना कि किसी भी काम को फ़ायदा पाने के लिए थोड़ा थोड़ा कुछ हमें करना भी होता है। तो जो मैंने ये एक्सरसाइज बताई है ना आपको, कि पीछे के साइड, आगे से पीछे के साइड, आगे से पीछे के साइड, तो जो हमारी हड्डियों में गैप होता है या जो प्रॉब्लम होती है वो इसको करने से आराम मिलता है। तो ये आज की एक्सरसाइज थी मेरी। और अभी टाइम हो रहा है 4:45, मैं उठती हूँ, थोड़ा बहुत योगा करती हूँ जितना मेरे से हो सकता है। तो मैंने आपके लिए ये आज वीडियो शेयर किया, क्योंकि मोस्ट ऑफ सबको माइग्रेन और सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, मुझे भी है। तो गाइज, आई होप आपको ये मेरा न्यू ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है और शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड फैमिली के साथ में, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूँगी। और आपकी पारुल को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत है, मोटिवेट कीजिए अपने एक लाइक और शेयर कमेंट से। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे गाइज़।